बनना तो अधिकारी है। आप पढ़ाई करते हो तो वो थोड़ा प्रोसेस बता दो, किस हिसाब से पढ़ते हो? जैसे शादी वगैरह हो गई, आपको कभी शिकायत रही है भगवान से कि आगे अब क्या करने का विचार है? इन फ्यूचर स्मार्टफोन है और ये खुद चलाते हैं, जैसे अब कैसे हैंडल करते हो? जैसे इंस्पेक्शन का काम होता है आपका। नहीं, आर्थिक स्थिति बिल्कुल ही कमजोरी है, क्योंकि मम्मी पापा बीमार रहते हैं, वो काम होता नहीं है उनसे। वर्तमान दैनिक जीवन कैसे चलता है? ड्यूटी के दौरान कोई समस्या समस्या तो आती होंगी नॉर्मली। हमारे प्रिंसिपल थे वो जैन साहब सर थे, और वो भी ब्लाइंड ही थे। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इंटरव्यू की सीरीज में स्वागत है। और आज कोई टीचर ना होते हुए और स्पेशल एंड यूनिक, और आज आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जिनसे हम बहुत अच्छी प्रेरणा ले सकते हैं ब्लाइंड होते हुए भी। आपने बहुत सफलता हासिल की है, और आप है श्री पूरन सिंह जी शेखावत, केरपुर रसाल गांव और कुचामन सिटी डीडवाना से। और अभी आप हैं 2018 भर्ती में सेलेक्टेड प्रवर्तक निरीक्षक निरीक्षक इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर ये EI। तो आप ब्लाइंड होते हुए भी सफलता हासिल की है, तो आप पहले तो बधाई के पात्र हो, आपके संघर्ष को सलाम, और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑडियंस में जो आपको जानने की प्रेरणा लेगी। बहुत बहुत स्वागत है पूर्ण सिंह जी थैंक आपका। यू। कैसे? आपसे बहुत कुछ सीखने को है, और शुरू में यही देखेंगे कि आप शुरू से ही जज्बा रखते थे कि मैं एक अच्छा अधिकारी बनूं और समाज के लिए काम करूं। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? हर एक व्यक्ति को शुरू में प्रेरणा मिलती है, तो आपने ये कहाँ से जाना कि मैं भी नॉर्मल इंसान की तरह काबिल हूं कुछ बनने के लिए? जी, पहले मेरे को एक आंख से दिखाई देता था, फिर एक आंख बाद में चली गई, तो मेरा जो दोनों आंखों से मैं ब्लाइंड हो गया। तो मेरे पास शुरू से यही था, मेरे को कुछ अलग से करना है। तो 12वीं के बाद में यही मेरे को जो 12वीं के बाद में मैंने तय किया कि मेरे को आरएएस की तैयारी करनी है और आरएएस बनना तो आप जन्म से मतलब थोड़ा बहुत आपको दिखाई देता था? है। हाँ, एक आंख से 2004 तक मेरे को दिखाई देता था, लेकिन 2004 में गिल्ली डंडा से खेल रहे थे, तो खेलते खेलते दूसरी आंख भी चली गई थी। उस अच्छा। समय मैंने 7वीं पास कर ली। और स्कूलिंग कहाँ से की थी आपने? स्कूलिंग में मेरे अलग अलग जगह से हुई है। जैसे बचपन में 7वीं तक मेरी, पहली से 7वीं तक हुई थी गांव में, नॉर्मल स्कूल में, एक आंख से। और दूसरी 7वीं से 12वीं तक बीच में 5 साल का गैप आ गया था, 2004 से 2009 के बाद में। फिर 2009 से 2015 तक 7वीं से 12वीं तक मेरी जोधपुर में स्कूलिंग हुई है। जी, मतलब आपने 5 साल गैप लिया स्कूलिंग में, इसका पहले कोई कारण? इसका कारण ये था कि 2000 पहले मेरे को दिखाई देता था, दिखाई देने के बाद अचानक आंख चली गई। तो गांव में 2004 में उस समय सोशल मीडिया भी नहीं था, इतनी जानकारी भी नहीं होने के कारण गांव वालों को ये था कि पढ़ थोड़ी सकते हैं, इतना दिखाई नहीं देता। तो हमारे गांव साइड ग्राम पंचायत से थे कोई, जो जोधपुर रहते थे, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे करके जोधपुर में ब्लाइंड की स्कूल है और इन दृष्टिबाधितों को पढ़ाते हैं। तो उन्होंने फिर मेरा एडमिशन करवाया था शंकर जी मूंड। तो उन्होंने फिर 7वीं में एडमिशन किया स्कूल में, जोधपुर में। तो 7वीं से लेके 12वीं तक फिर मैंने वही ब्रेल लिपि सीखी, 7वीं कक्षा में ब्रेल लिपि के माध्यम से 12वीं तक पढ़ाई की। जैसे सर आपने 5वीं तक 7वीं तक गांव में पढ़ाई की, जी और उसके बाद आपने कहा कि जोधपुर में की, तो उसके बाद जोधपुर में जैसे स्कूल का कोई स्पेसिफिक नाम? मैं नेत्रहीन विकास संस्थान नाम से स्कूल है 12वीं तक, तो आप इनका वहां एडमिशन कराओ। तो उन्होंने, मेरे भाई साहब थे, उन्होंने वहां एडमिशन करवाया। तो उस 7वीं में उन्होंने एडमिशन लिया वापस मेरा। 7वीं से फिर 12वीं तक मैंने वहीं पढ़ाई की, और कक्षा 7 में मैंने जाते ही ब्रेल 2 महीने में ब्रेल सीख ली। 2 महीने में सीख ली पूरी लैंग्वेज हाँ जी, ब्रेल लिपि, वास्तव। और उसके बाद जैसे पढ़ाई लगातार चालू रही, वहां पे कितने बच्चे थे लगभग? वहां लगभग 300-400 है बच्चे अभी वर्तमान में, उस समय इतने थे 250-300 बच्चे। और सभी को एक हिसाब से पढ़ाते? हाँ, ब्रेल लिपि के माध्यम से टीचर नॉर्मल भी थे, ब्लाइंड भी थे। हमारे प्रिंसिपल थे वो जैन साहब सर थे, और वो भी ब्लाइंड ही थे। अच्छा, तो वो आप सबकी समस्या समझते थे कि ये होती है, ऐसा वास्तव होता है। हाँ जी, और 12वीं के बाद? 12वीं के बाद में फिर मैं सूरतगढ़ आ गया था, क्योंकि मेरे को आरएएस की तैयारी करनी थी, और
किसी ने आकाश भी बरोड़ा आर एस जो लगे हुए ब्लाइंड, उन्होंने कहा आप सूरतगढ़ चले जाओ तो मैं भाटिया जी सर के पास आ जाओ। और इसके अलावा कोई ऐसा भी कंपटीशन की नहीं सोची आपने? नहीं, इसके अलावा मेरे को सिर्फ आर एस की करनी थी, तो आर एस का ही है, बनना तो अधिकारी है। और अभी वर्तमान में परिवार यहीं रहता है साथ में, सूरतगढ़ में गांव में? परिवार माता पिता गांव में रहते हैं। तो ये अधिकारी बनने की प्रेरणा आपको 12वीं के बाद? हाँ, 12वीं में के बाद ही मैंने ये था कि मेरे को अलग से करना था, फिर किसी ने बताया कि आर एस है ब्लाइंड है और आकाश थी बरोड़ा, तो उन सर से मेरी बात हुई तो सर ने कहा आप कर सकते हो और ऐसे करो कि आप भाटिया आश्रम सूरतगढ़ चले जाओ गुरु जी के पास में, तो फिर मैं यहाँ आ गया था 2015 में। और ग्रेजुएशन के साथ ही स्टार्ट कर दी? ग्रेजुएशन के साथ साथ ही पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी, और प्रवीण भाटिया जी ने एक टीम बना दी थी लड़कों की, तो वो लड़के मेरे को हर घंटा घंटा पढ़ा के चले जाते थे। स्पेशल आपके लिए टीम बनाई सर ने? स्पेशल मेरे लिए टीम बनाई और सर की देख रेख में वो टीम थी सारी। और ग्रेजुएशन भी जोधपुर से ही की? नहीं, या अपने सूरतगढ़ से ही, टैगोर पीजी कॉलेज से। तो यहाँ पे ब्लाइंड के लिए क्या व्यवस्था अलग से? ब्लाइंड के लिए अलग से नहीं, तो जो सिलेबस होता था वो रिपोर्टिंग कर लेते थे, जो साथ में स्टूडेंट वो पढ़ाने आते थे मेरे दोस्त, उन्होंने सुना सुना के मेरे को याद करवा दिया था। अच्छा, और दूसरी किसी की तैयारी नहीं की थी अधिकारी के अलावा? नहीं, दूसरी किसी की नहीं की थी, सिर्फ मेरे को ये था कि मेरे को आर एस सी की तैयारी करनी और आर एस सी लगना है, तो आर एस अलाइड में मेरा 2018 की भर्ती में सिलेक्शन। शानदार। और वर्तमान में अब कहाँ पोस्टिंग है आपकी? वर्तमान में मेरी सूरतगढ़ में पोस्टिंग है, मैंने तैयारी भी यही की थी बीए बीएड एमए, ईश्वर की कृपा से पोस्टिंग भी मुझे यही मिल गई सूरतगढ़। तो ड्यूटी के दौरान कोई समस्या तो आती होंगी नॉर्मली? समस्या तो लगभग सभी के आती है, थोड़ी नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। और हमने सुना है बाकी जिया तो क्या है कि ब्लाइंड होता है उनकी इच्छा शक्ति और एकाग्रचिता ये सब बहुत शानदार होती है, क्योंकि वो अंतर्मन से देखते हैं और वो जो सीख महसूस करते हैं वो हमेशा के लिए सीख लेते हैं, ये क्या थोड़ा? हाँ, ये थोड़ा होता है कि जो वो ध्यान है थोड़ा एकाग्रचित रहता है और मन इधर उधर थोड़ा कम भटकता है। और सातवीं तक आप मान लो थोड़ा बहुत दिखाई देता था, तो वहां तक आपके इमेजिनेशन छवि तो बनी होगी? हाँ, सातवीं तक मेरे को पूरा दिखाई देता था। अच्छा। एक आंख से और एक से नहीं दिखाई देता था, सारा कुछ देखा हुआ था वो। हालांकि शुरू शुरू में मेरे को थोड़ी दिक्कत हुई, बाद में तो कोई दिक्कत। और जैसे सर आप पढ़ाई करते हो तो वो थोड़ा प्रोसेस बता दो, किस हिसाब से पढ़ते हो? जैसे पढ़ाई वो मेरे दोस्त है वो पढ़ा देते हैं, बाकी यूट्यूब के माध्यम से ऑडियो सुन सुन के रिकॉर्डिंग करवा लेता हूँ, ऑडियो सुन सुन के याद करके पढ़ाई करते। और पेपर देने जाते हो तो वहां पे? पेपर देने के लिए जाते हैं तो जो सेंटर पे स्क्राइब देते हैं, वो स्क्राइब प्रश्न बोल देता है, उसके बाद सुन सुन के वो स्क्राइब मतलब एक हेल्पर। अच्छा, हेल्पर देता है सेंटर, हेल्पर के माध्यम से वो प्रश्न बोल के सुना देता है, उसको उत्तर बोल देते हैं, फिर आप उसको उत्तर बोलते हो? हाँ, उत्तर बोलते हैं, फिर वो लिखता है। अच्छा, वो स्क्राइब आप अपने इच्छा अनुसार नहीं ले जाते? नहीं ले जाते, सेंटर ही देता है। अच्छा, और जैसे आप हम पढ़ते हैं तो सीधे आंखों से देखते हैं और हमारे देवनागरी वगैरह लिखी होती है, और आप किस लिपि में पढ़ते थे या पढ़ते हो? सातवीं से बारहवीं तक मैंने जो पढ़ाई की है वो तो ब्रेल लिपि में की, उसके बाद फिर मैंने नॉर्मल जैसे लोग पढ़ते हैं। अच्छा, तो वो मेरे को रिकॉर्डिंग कर देते थे, सुना सुना के याद कराते थे। ब्रेल लिपि मतलब? ब्रेल लिपि जो स्पर्श करके पढ़ी जाती है, जैसे अक्षर उभरे हुए होते हैं, अक्षर होते हैं उनको उंगली से स्पर्श कर टच करके पढ़ना होता है। अच्छा, और आपको आती है वो बार ब्रेलिपि पढ़ी आपने? हाँ, ब्रेलिपि सातवीं से बारहवीं तक मैंने ब्रेलिपि में की थी। वर्तमान दैनिक जीवन कैसे चलता है? दैनिक जीवन में जैसे सारा काम मैं खुद ही करता हूँ, मेरा पूरा L to Z। हाँ, जैसे कपड़े धोना सारा कुछ जो भी है, और मोबाइल वगैरह वो सारा मैं चला लेता हूँ जी। जैसे ये दोस्तों देख लो, स्मार्टफोन है और ये खुद चलाते हैं, और अभी मैंने प्रैक्टिकली और लाइव देखा भी था, बहुत शानदार। तो ड्यूटी के दौरान आपको कोई तकलीफ वगैरह कैसे हैंडल करते हैं? जैसे इंस्पेक्शन का काम होता है आपका जी, इंस्पेक्शन तो, के दौरान हम जैसे कि साथ में ले जाते हैं भाई वगैरह ले जाते हैं, या कोई ऑफिस से ले जाते हैं, तो वो बता देते हैं, बाकी सारा कुछ ऑनलाइन है भाई, किस कैसे
क्या चीज देखनी है तो वो ऑनलाइन देख लेते हैं, फोन पर देख लेते हैं। उसके बाद जैसे कॉलेजिंग के दौरान कैसे पढ़ाई की, जैसे अभी तो वर्तमान में मैंने न्यूज वगैरह पढ़ा है कि ब्लाइंड ब्लाइंड होते हैं उनके लिए स्पेशल विद्यालय चल रहे हैं, और उस टाइम भी धीरे धीरे स्टार्ट हो गया कि ये भी कुछ करने के काबिल है, तो उस टाइम आपको मुझे लगता है ज्यादा परेशानी हुई होगी, तो फिर कैसे हैंडल किया? 12वीं के बाद में थोड़ी दिक्कत आई थी, लेकिन जैसे यहाँ लड़के मेरे को पढ़ाने आते थे मेरे दोस्त, वो सुना सुना के मेरे को याद करवा देते थे रिकॉर्डिंग के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से वीडियो सुन सुन के ऐसे तैयारी की। और 12वीं किस सब्जेक्ट से की आपने? 12वीं मेरी थी आर्ट्स से। और ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन भी आर्ट्स से। अच्छा, किस किस सब्जेक्ट से? ग्रेजुएशन में मेरे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी लिटरेचर। अच्छा, और जैसे आप अधिकारी बने तो गवर्नमेंट के द्वारा तो सहायता मिली होगी आर्थिक और कुछ और, या? हाँ, वो प्री एग्जाम पास करने पे और मेंस पास करने पे जो अनुप्रति सहायता के तहत मिलती थी, बाकी जैसे मेरे को सहयोग में गुरुजी है ये मेरा पूरा सपोर्ट करते हैं। और फैमिली वगैरह बैकग्राउंड कैसा है, कुछ पहले से स्थिति बढ़िया है या नहीं? आर्थिक स्थिति बिल्कुल ही कमजोरी है, क्योंकि मम्मी पापा बीमार रहते हैं और काम होता नहीं है उनसे। अच्छा, घर पे ही रहते हैं। और भाई वगैरह? भाई एक जो साथ में वो पढ़ाई करता है, अभी मेरे साथ ही पढ़ाई। आपसे छोटा है? हाँ, छोटा ही। अच्छा, दोस्तों ये बता दूं कि अभी मैं हूँ सूरतगढ़ में, सर ने यहीं से पढ़ाई की है भाटिया आश्रम से विशेष रूप से, और पहले तो कॉलेज स्कूलिंग तो उधर उधर से की है, और कहते हैं ना कि भगवान जैसे कुछ कमी दी है तो कुछ उपलब्धि भी देते हैं, तो सर ने कमी होने के बावजूद भी हमें सीखना चाहिए कि इस पद पर कार्य कर इंस्पेक्शन और आरएस भर्ती से लगे हैं, तो हमें तो बहुत कुछ करना चाहिए, सब कुछ परिपूर्ण बनाया सर, और आगे अब क्या करने का विचार है इन फ्यूचर? फ्यूचर में अभी तो कर रहे हैं तैयारी प्रॉपर आरएस के लिए। अभी भी वर्तमान में चल रही है? अभी पढ़ाई चल रही है। अच्छा, आगे आने वाला मेंस दोगे? हाँ जी। तो कैसी तैयारी चल रही है? ठीक चल रही है, कोशिश तो कर रहे हैं, बाकी तो ईश्वर की। अच्छा, आपको कभी शिकायत रही है भगवान से की? भगवान से मेरी कोई शिकायत नहीं है, व्यक्ति को अपने आप को कोसना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें कम से कम जीवन तो दिया है, ताकि उसको अच्छे से जीना चाहिए। जैसे मैंने आसपास कई व्यक्ति देखे हैं पूरी तरह से परिपूर्ण होते हुए भी कोसते रहता है किस्मत को। नहीं, किस्मत को नहीं कोसना चाहिए कभी, और निराश भी नहीं होना चाहिए, हमेशा व्यक्ति को खुश रहना चाहिए, ईश्वर जरूर कहीं ना कहीं मदद करता है। दोस्तों देखो कि हम परिपूर्ण होते हुए भी इतनी शिकायत रखते हैं, और सर की देखो इच्छा शक्ति और विचार कितने पॉजिटिव है कि हर चीज में पॉजिटिविटी देखते हैं और कुछ करने की सोचते हैं, और समाज की सेवा भी कर रहे हैं और साथ साथ अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, अब फैमिली आगे बढ़ाने का, जैसे शादी वगैरह हो गई? नहीं, शादी अभी नहीं। कोई कारण? अब आप तो अपने वो कहते ना समाज में कहते पैरों पे खड़े हो, और अब तो हाँ वो तो है, लेकिन अभी प्रोवेशन होना बाकी है, और 2018 में लग गए अब प्रोबेशन। अभी तक ज्वाइनिंग 2018 की भर्ती है, लेकिन 2022 30 मई 2022 को ज्वाइनिंग हुई है। अच्छा, साल अभी 30 मई को हुई पूरे प्रोबेशन हो जाए, उसके बाद शादी करने का विचार है। और दोस्त यारों से कैसा फील होता है, क्या दोस्तों का सहयोग रहा? हाँ, दोस्तों का मेरा खूब सहयोग रहा, दोस्तों ने मेरे को पढ़ाया है, जैसे कई दोस्त है मेरे, नाम लेंगे तो बहुत सारी लिस्ट बन जाएगी। भगवान कुल मिला के साथ में फरिश्ते भी भेजते हैं, भगवान कहीं ना कहीं उन्हीं के रूप में आता है और मदद करता है। मान लो अब आगे आने भर्ती आपके पॉजिटिव में जाए, और मुझे आशा और उम्मीद है कि आप अच्छी तैयारी कर रहे हो और उसका फल जरूर मिलेगा, तो क्या बनने की सोचिए, कौन सी प्रेफरेंस दोगे आप यदि आप फ्यूचर में बढ़िया रहे? कोई प्रेफरेंस अभी तो बाकी तो जैसे पढ़ाई होगी वैसे रिजल्ट आएगा। और मैंने अभी आपको पहली बार देखा है सर, आप सभी को बता दूं कि मैंने आज ही मिला हूं, और आज वीरेंद्र प्रताप जी ने बताया कि मेरे मित्र हैं,
अच्छे मित्र हैं पूरन सिंह जी, और एकदम ब्लाइंड है और फिर भी अधिकारी बने हुए हैं, और यहाँ पे बुलाया उसके लिए शुक्रिया, और आपको बुलाया, और इतने हम्बल है ये, इतने मान लो कि जेन्युइन और नेचर नेचर ऐसा है कि मुझे मिलने पर ऐसा नहीं लगा कि ये सर अधिकारी है, और बाद में पता चला कि ये अभी अधिकारी हैं, और मिलने पे बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं, और इसके लिए सर आपको शुक्रिया। और मैं तो ये मानता हूँ कि कोई साथ में बैठे और ये ना सोचे कि ये बहुत बड़े अधिकारी हैं या बहुत ऐसी, जैसे कोई होता है हवाबाजी ज्यादा करते हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा तो कोई नहीं, विनम्र रहना चाहिए, विचार बहुत अच्छे हैं, और इस स्थिति में होते हुए भी आपको कोई शिकायत नहीं है, तो उसके लिए भगवान से और मेरी तो यही है कि इच्छा है कि आपको फ्यूचर में अच्छा बनाए और भी आगे तरक्की करे, वैसे भी आपने तरक्की तो बहुत की है, इसके लिए आपको मंगल शुभकामनाएं, और सर का बहुत बहुत धन्यवाद हमें टाइम देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।